देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदनी प्रिया। मोतिहारी के रंगनाथपुर स्थित एक लॉज में मैट्रिक के एक छात्र ने की आत्महत्या, गले में फंदा लगाकर दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सहरसा में मैट्रिक के दो परीक्षार्थी की दर्दनाक मौत, बाइक और ऑटो की टक्कर में दोनों भाइयों की हुई मौत। सिमरी बख्तियारपुर के महकर ढाला के पास हुआ हादसा, रायपुर के बदिया गांव में रहने वाले थे दोनों छात्र। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया सवाल, स्वास्थ्य मंत्री के जिला सिवान के अस्पताल में बदहाली और कुव्यवस्था को लेकर वीडियो किया जारी, बिहार विधानसभा में मुद्दे को उठाने का किया ऐलान। जाति जनगणना को लेकर आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, राज्य सरकार अपने खर्च पर करे जनगणना, हमारी सरकार होती तो जरा भी देर नहीं करती। गृह प्रवेश के मौके पर नालंदा जिले के कतरी सराय प्रखंड के राजद नेता ने नियमों को ताक पर रख कर की हर्ष फायरिंग, जिसका वीडियो हो रहा वायरल, जांच में जुटी पुलिस। साइबर अपराध पर लगेगी लगाम, हॉटस्पॉट बने इन 6 जिलों में चलेगा विशेष अभियान, बिहार पुलिस ने की खास तैयारी, फर्जी दस्तावेज पर सिम देने पर होगी सख्त कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी यात्रा को लेकर कहा, विधानमंडल के बजट सत्र और होली के साथ एमएलसी चुनाव के बाद इस विषय पर होगा काम। पटना के राजीव नगर में कारोबारियों का हंगामा, सेधमारी के वारदात के विरोध में लोगों में दिखा आक्रोश। मुजफ्फरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, रसोई में गैस लीक होने से घर में लगी आग, 2.5 साल का मासूम जिंदा जला। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफागंज गांव का है मामला। समस्तीपुर के जेडीयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी की हत्या, मुसरी घरारी पुलिस ने शौक कल्याणपुर के वासुदेवपुर में बुढ़ी गंडक नदी के ढाब इलाके से किया बरामद। घर से भाग कर की शादी, 1.5 माह बाद युवती की हुई मौत, परिजनों ने ससुराल वाले पर दहेज को लेकर हत्या करने का लगाया आरोप, मुजफ्फरपुर पीएफ थाने की रामपुर दयाल पंचायत के वार्ड 4 की घटना। बांका में बदमाशों ने 24 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका, बौसी थाना क्षेत्र के बजरंगपुर गंगटी गांव का मामला। छपरा में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दो लोग घायल, मसरक केंद्रीय विद्यालय के पास हुआ हादसा, सिवान के अशरफअली के रूप में हुई मृतक की पहचान। गोपालगंज में युवक की गला रेतकर हत्या से मचा हड़कंप, मांझा के मुजौरा चौर में फेंका मिला शव, युवक की नहीं हो सकी अब तक पहचान। बगा में जीविका समूह के 15,55,000 गबन, ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर पर लगा आरोप, तमकुआ ब्रांच में गबन का मामला आया सामने। बेगूसराय में यूरिया और खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने SH-55 को किया जाम। खगड़िया मंडल कारा का डॉक्टर अमित कुमार नशे की हालत में जेल परिसर से हुआ गिरफ्तार, चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगियों में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हुई भीषण आग से 3 बोगियों को पहुंचा नुकसान। फ्रांस की लड़की सरलिन को बिहार के लड़के रणवीर से हुआ प्यार, शादी करने सात समुन्द्र पार से सरलिन पहुंची मुंगेर, जमालपुर प्रखंड अंतर्गत मुंगरौला के रहने वाले हैं रणवीर कुमार। अभी के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम अब GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।